कि केंद्र सरकार को अपने देश के मणिपुर याद नहीं आया, जहां पर हमारी बेटियों की और हमारी बहनों की इज्जत लूटी गई, तो उस वक्त तक आप 6-5 महीना तक के अपने जबान पे ताला लगा करके रखे थे, और जब इसराइल का मसला आया तो आप जो है ऐसा बाहर निकले हैं, बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल करके आके उछल रहे हैं कि इसराइल के सपोर्ट में। आपसे होना जाना तो कुछ है नहीं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 2024 के इलेक्शन में मुसलमानों को किस तरह से नीचा दिखा करके हिंदुओं का वोट लेना है, उसकी तैयारी करें। अटल बिहारी वाजपेयी साहब कह रहे हैं, बीजेपी के ये बड़े लीडर हैं, उनके लीडर हैं, ये कह रहे हैं कि वो जमीन अरब की जमीन है और अरब वालों को दे दी जाए, क्या उनको ये नहीं नजर आ रहा है जो आज जो लोग कह रहे हैं, आज अनभक्त बन करके कह रहे हैं कि इसराइल के हम सपोर्ट में खड़े होकर के हैं और फलस्तीन जो है दहशतगर्द मुल्क है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। जर्मन की सरजमीन में, जर्मन में जब हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने उसे भगाया वहां के यहूदियों को, तो 60 लाख यहूदियों को उसने कत्ल किया था, और उसने ये बात बोल करके वहां के लोगों को जो है बताया, भगाया था यहूदियों को कि मैं कुछ यहूदियों को छोड़ दे रहा हूं, ताकि करके दुनिया वाले देखें कि ये यहूदी किस तरह से नापाक लोग हैं, किस तरह से दुनिया में जुल्म और बर्बरियत करने वाले लोग हैं, जिनको कोई देश और कोई मुल्क अपनी जमीन पर बसने की इजाजत नहीं देता था। उस वक्त में फलस्तीन के मुसलमानों ने उनको अपने जमीन दिया और उस जमीन पर वो घुस करके आ गए, और आप कह रहे हैं कि वो जमीन इसराइल की जमीन है। इसराइल की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ जो है हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हम हिंदुस्तानी इकट्ठे हुए हैं और इंसाफ पसंद लोग इकट्ठे हुए हैं, जो इंसाफ और जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हैं वो लोग इकट्ठे होकर के प्रदर्शन और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि करके हम ये बता दें दुनिया वालों को कि हम हमेशा जो है अमन पसंद लोग हैं और जुल्म के खिलाफ हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। दुनिया भर में जिस तरह से प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है कि इसराइल की हिमायत में ही ज़्यादातर कंट्री है। देखिए, दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट होना चाहिए, आज दुनिया का एक जो नक्शा दिखाया जा रहा है मीडिया के थ्रू जो दिखाया जा रहा है, वो जिसके पास, जाहिर सी बात है, जिसके पास पावर और जिसके पास पैसा और ये ज़्यादा है, उन लोगों को दुनिया सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये बहुत ही ख़राब बात है कि हम इस वक्त में अगर फ़लस्तीन के साथ अगर खड़े नहीं हुए, तो याद रखिए कि कल आपके भी मुल्क में और आपके भी बहुत से ऐसे मुल्क में जो है हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं जिनके ऊपर में जुल्म और बर्बरियत हो रहा है, उन लोगों को फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। और फलस्तीन के खिलाफ हमेशा इसराइल जो है वो अपना एक चाल चलता रहा है, जब हमास और गजा के कुछ लोग ने जब वहाँ पर अटैक किया, तो आज दुनिया इसको दूसरी तरह से, दूसरी नज़र से दिखाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रही है, ये ज़्यादा दिन तक का दिखाया नहीं जा सकता, बल्कि ये बहुत ही बुरी बात है कि जब जिस फलस्तीन के सरजमीन पर इसराइल को हम लोगों ने रहने के लिए जगह दिया, यहूदियों को हमने जगह दिया है, और उसी यहूदियों ने आज फलस्तीन के सरजमीन पर मुसलमानों को मार रहे हैं, वहाँ के बच्चों को मार रहे हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पर बच्चों पर खाना बंद कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है, पानी का बंद कर दिया गया है इसराइल ने, दुनिया को क्या ये नज़र नहीं आ रहा है? क्या USA और UN जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ों को नहीं देख रहे कि यूनाइटेड नेशन ऑफ नेशंस जो है और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को नहीं देख रहे कि जिसने बच्चों के हुकूक के लिए और राइट्स के पर में बात करती है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर बच्चों, क्या वहाँ के बच्चों का जान जान नहीं है? क्या वहाँ के लोगों के लोग, वहाँ के लोगों के जिस्म के अंदर में खून खून नहीं है? लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही बुरा हो रहा है, अगर इसके खिलाफ अगर हम आवाज़ नहीं उठाएं, तो याद रखिए कि हम जालिम लोगों के साथ हैं, और जालिम लोगों के साथ जो है, जालिम लोगों के साथ अगर हम साथ देते हैं, तो ये बहुत दिन, ज़्यादा दिन तक का चलने वाला नहीं है। जबकि हिंदुस्तान की सरजमीन में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपना एक, आपने देखा होगा अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है वो वाला वीडियो, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब कह रहे हैं, बीजेपी के ये बड़े लीडर हैं, उनके लीडर हैं, ये कह रहे हैं कि वो जमीन अरब की जमीन है और अरब वालों को दे दी जाए, क्या उनको ये नहीं नजर आ रहा है जो आज जो लोग कह रहे हैं, आज अनभक्त बन करके कह रहे हैं कि इसराइल के हम सपोर्ट में खड़े होकर के हैं और फलस्तीन जो है दहशतगर्द मुल्क है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला और ये सही नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, ये हमारा सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक राइट है हमारा कि अगर जुल्म किसी के ऊपर हो रहा है तो हम बोलने का हक रखते हैं, वो चाहे एक ही फर्द क्यों ना हो, एक फर्द भी हिंदुस्तान का अगर जो है उसको लगता है कि वो खिलाफ है और गलत हो रहा है तो वो बोल सकता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट में कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट में अगर कोई काम कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए और हमें सजा दीजिए फिर।
कहा जा रहा है तो इसराइल की जगह है, ऑलरेडी कब्जे कर। कैसे इसराइल की जगह है भाई? जर्मन की सरजमीन में, जर्मन में जब हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने उसे भगाया वहां के यहूदियों को, तो 60 लाख यहूदियों को उसने कत्ल किया था, और उसने ये बात बोल करके वहां के लोगों को जो है बताया, भगाया था यहूदियों को कि मैं कुछ यहूदियों को छोड़ दे रहा हूं, ताकि करके दुनिया वाले देखें कि ये यहूदी किस तरह से नापाक लोग हैं, किस तरह से दुनिया में जुल्म और बर्बरियत करने वाले लोग हैं, जिनको कोई देश और कोई मुल्क अपनी जमीन पर बसने की इजाजत नहीं देता था। उस वक्त में फलस्तीन के मुसलमानों ने उनको अपने जमीन दिया और उस जमीन पर वो घुस करके आ गए, और आप कह रहे हैं कि वो जमीन इसराइल की जमीन है। इसराइल की जमीन कैसे हो सकती है? वो जमीन हमारे मुसलमान भाइयों की है, अरब की सरजमीन है, और अरब की सरजमीन को लौट, अरब वालों को वो जमीन जो है वापस मिलना चाहिए। इसके लिए यूएन को भी खड़ा होना होगा, इसके लिए और दीगर ममालिक को भी खड़ा होना होगा, इसके अलावा जो है हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी, और हिंदुस्तान के तमाम उन सेकुलर लोगों को खड़ा होना होगा जो इंसाफ पसंद लोग हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसराइल के जो छोटे बच्चे हैं, खवातीन हैं, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। सबसे पहली बात है कि केंद्र सरकार को अपने देश के मणिपुर याद नहीं आया, जहां पर हमारी बेटियों की और हमारी बहनों की इज्जत लूटी गई, तो उस वक्त तक आप 6-5 महीना तक के अपने जबान पे ताला लगा करके रखे थे, और जब इसराइल का मसला आया तो आप जो है ऐसा बाहर निकले हैं, बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल करके आके उछल रहे हैं कि इसराइल के सपोर्ट में। आपसे होना जाना तो कुछ है नहीं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 2024 के इलेक्शन में मुसलमानों को किस तरह से दिखा करके हिंदुओं का वोट लेना है, उसकी तैयारी करिए। इसराइल के मैटर में भी 2024 की तैयारियां चल रही है। एक वक्त देखा गया कि ये प्रधानमंत्री फिलिस्तीन की हिमायत में बयान देते थे, अब इसराइल के हिमायत में बयान देते, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो अमन पसंद प्रधानमंत्री थे, सेक्युलर थे, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसका इल्म था उन्हें। आज के देश के जो लोग हमारे सत्ता को चला रहे हैं, जो पॉलिटिशियन हजरात हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सी क्या होता है। तो फिर वो हमारे देश को चलाने के लिए आज देश चला तो रहे, सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीति है उनका, हिंदू और मुसलमान। मुसलमान को अलग करो, हिंदुओं को अलग करो, और अलग करने के बाद 70% मेजोरिटी वाले लोगों का वोट लेकर के अपने सत्ता पर बैठे रहो। बिल्कुल ये बिल्कुल बात सही है कि आज दुनिया दो हिस्सों में बट गया, और दो हिस्सा जो है आज दुनिया का वो हिस्सा है, एक लोग जो है मजलूम के साथ खड़े हैं और एक लोग जालिम के साथ खड़े हैं। अब आपको खुद मीडियाज को ये फैसला कर लेना है कि कौन लोग जालिम के साथ खड़े हैं और कौन मजलूम के साथ खड़े हैं।